सूरत नीलगिरी सर्कल डिंडोली अंडरपास। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वो उत्तर दिशा की ओर नीलगिरी सर्कल से डिंडोली जाने वाली एंट्री है। ये अभी फिनिशिंग सेट पे है, कलर काम और लाइट का काम भी अभी चल रहा है। यहाँ पे सामने अगर हम देखेंगे तो सामने की साइड यहाँ से ये इसके दो तीन भाग है। एक तो यहाँ की एंट्री है जहाँ से नीलगिरी सर्कल से एंट्री करते हैं, उसके बाद का ब्रिज कम्प्लीट है और ये टनल भी काफ़ी फिनिशिंग सेट पे है। अभी डिंडोली साइड से जो एंट्री होती है वहाँ पे काम अभी चल रहा है। सूरत उडना अंडरपास। मैं अभी डिंडोली से उडना नीलगिरी सर्कल और उडना ईस्ट रेलवे स्टेशन जाने वाले अंडरपास के अंदर हूँ। ये 2+2 लेने LMV के लिए, यानी कि छोटे व्हीकल के लिए, कार और रिक्शा जा सकेगी यहाँ से 2+2 लेन में। यहाँ पे तकरीबन हम देखेंगे तो ये 180 मीटर लंबा ये टनल है। ये रेलवे की लाइन उडना से टापटी वैली, यानी कि सूरत उडना चलथान बालडोली जलगांव धुलिया जाने वाली रेलवे ट्रैक के नीचे और साथ में जो नया जो सूरत नीलगिरी सर्कल यार्ड बना है उसके नीचे ये पूरा अंडरपास बना हुआ है। ये बनने की मदद से यहाँ से सामने की साइड हम देखेंगे तो डिंडोली करके इलाका है, डिंडोली कपराड़ा करके इलाका है। तो डिंडोली से यहाँ से डिंडोली से अगर आना हो और ये अंडरपास की मदद से नीलगिरी सर्कल और फिर वहाँ से रिंग रोड के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी बात है, अभी सूटना का उडना का ईस्ट पूर्व दिशा का रेलवे स्टेशन बन रहा है, काफ़ी कुछ फिनिशिंग स्टेज पे है रेलवे स्टेशन की एंट्री के लिए, तो वो भी चालू हो जाएगा। तो डिंडोली से उडना ईस्ट जाने के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बाजू में हम देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम का जो दिखाई देता है वो यहाँ पे AC और एग्जॉस्ट फैन का काम करेगा, क्योंकि ये टनल काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे ब्रीथिंग यानी कि श्वास ले सके उसके लिए ये बना गया है। दोनों साइड है, यहाँ पे भी है और बाजू वाले जो टनल है उसके अंदर भी है। मैं अभी नीलगिरी सर्कल की ओर जा रहा हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये काम काफ़ी कुछ हो चुका है। मैं अभी उडना नीलगिरी सर्कल की ओर हूँ। यहाँ पर ये टनल काफ़ी फिनिशिंग स्टेज पे है उत्तर दिशा में, और अगर दक्षिण दिशा में देखेंगे तो टनल का बहुत कंप्लीट है, लेकिन उसका जो अप्रोच होता है, अप्रोच यानी कि जहाँ से हम डिंडोली की ओर बाहर निकलते वो अप्रोच का काम काफ़ी बाकी है, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ पे काम नहीं हो पाया है। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है अभी वो उत्तर दिशा की ओर है और ये नीलगिरी सर्कल की ओर है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर रोड का ब्रिज है, तो रोड का ब्रिज का भी काम काफ़ी ये तो कंप्लीट ऑलरेडी ऊपर ऑलरेडी रोड चालू हो चुका है। यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो नीलगिरी सर्कल की और ये जो है वो फिनिशिंग सेट पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये कलर का काम चल रहा है और साथ साथ में इस पर लाइट भी फिट हो चुकी है। जो कोई भी ब्रिज का या अंडरपास का जो भी काम होता है उसमें लाइट का काम सबसे आखिर में होता है, तो ये भी काफ़ी हो चुका है। ये देखिए, ये लाइट भी लग चुकी है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये ब्रिज अभी कंप्लीटिंग स्टेज पे है। सूरत उडना नीलगिरी सर्कल से डिंडोली जाने वाला अंडरपास 2+2 लेन, तकरीबन 550 मीटर लंबा ये अंडरपास है और इसके अंदर 2+2 लेन LMV यानी कि छोटी गाड़ी रिक्शा कार ऐसे 2+2 लेन साथ में जा सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये जो अंडरपास है वो रेलवे ट्रैक के नीचे से जाती है। मैं अभी जहाँ पे दिख रहा हूँ वो सामने की साइड उडना रेलवे स्टेशन ईस्ट है और नीलगिरी सर्कल है। सूरत डिंडोली से उडना नीलगिरी सर्कल जाने वाला अंडरपास। मैं अभी अंडरपास के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं जिस डायरेक्शन में भी दिख रहा हूँ वो डिंडोली जाने का रास्ता है। यहाँ पे ये अभी बारिश की वजह से, बारिश कुछ ज़्यादा लंबी चली
ज़्यादातर सितंबर में बारिश नहीं होती है, ये इस बार तो सितंबर में बारिश हुई और अक्टूबर में भी बारिश चालू रही और दो दिन पहले भी बारिश थी, उसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं कर सके हैं। तो ये काम भी, ये जो यहाँ का जो अप्रोच है, यहाँ पे अंडर आने का रास्ता है, वो भी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय, एक दो महीने में। तो ये अप्रोच थोड़ा बाकी है, बाकी के भाग हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो टनल है, ये टनल काफ़ी कुछ फिनिश है।